guys, welcome back to my channel. So this video is going to be the Katran Market vlog video. So ये vlog आपके लिए बहुत ज़्यादा informative होने वाला है अगर आप पहली बार Katran Market जा रहे हैं. So हम market में अंदर तक जो है वो रिक्शे से आए थे. उसके बीच में हमें यहाँ पे काफ़ी सारा छोटा छोटा मार्केट लगा हुआ दिखा जिसमें घड़ियाँ मिल रही थी और शूज़ के भी कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे. उसके बाद हमने मार्केट में एंटर कर लिया. सो मार्केट में एंटर करते के साथ ही मुझे इतने सुंदर सुंदर कलरफुल फैब्रिक देखने को मिले कि मेरे को बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे सब. सो सबसे पहले हम जिस शॉप में आए उसका शॉप नंबर था 468 जिसमें काफ़ी सुंदर सुंदर फैब्रिक थे. तो आपको हर वैरायटी के फैब्रिक मिल जाएंगे पर सबके जो प्राइसेज हैं वो अलग अलग हैं. और शॉप के बाहर थोड़ी बॉयज़ के लिए भी टी शर्ट लगी हुई थी और अब जो है वो कतरन मार्केट में फैब्रिक के अलावा भी काफ़ी कुछ मिलने लग गया है. जैसे कि ये जो है वो लहंगे के पीसेस थे जो बिना सिले हुए थे, स्टिच नहीं थे. बट इनके ब्लाउज जो है वो स्टिच थे. ऐसे में कुछ आपको देखने को मिल जाएगा. उसके बाद ये थी शॉप नंबर 180 जिसके बाहर मेरे को ये बहुत सुंदर फैब्रिक देखने को मिला. ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को. और अगर आप वाइट लवर हो तो आपको वाइट में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी. और यहाँ पे कुछ प्लाजोज के भी स्टैंड थे जैसे कि मैंने, और ये कैन भी मिल जाएंगी आपको मार्केट में. उसके बाद हम शॉप नंबर 128 पे आए थे जिसमें आपको जो यहाँ पे आपको कारपेट की हर वैरायटी देखने को मिल जाएगी. काफ़ी सुंदर सुंदर कारपेट थे और इन सब के प्राइसेज जो हैं वो अलग अलग थे. जैसे कि ये हाफ फ्लावर वाला जो था वो 200 का था और ये 100 वाले थे नीचे. और 50 में भी कुछ थे बट वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट 100 से काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल रहे थे. उसके बाद हम शॉप नंबर 16 पे आए थे. तो ये जो शॉप थी वो बॉयज़ के लिए एकदम बेस्ट थी क्योंकि इसमें जो है वो उनके लिए शर्ट पहन के भी कपड़े मिल जाएंगे और जो वो कुर्ता बनवाते हैं उसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे. आजकल जो फैब्रिक चिकन वाले कुर्ते चल रहे हैं उनके भी फैब्रिक यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे थे. शेरवानी के भी फैब्रिक मिल जाएंगे आपको. इन सब की प्राइसेस अलग अलग थी और ये शॉप बहुत अच्छी थी बॉयज़ के लिए. उसके बाद हम आए फातिमा फैब्रिक पे जो थी शॉप नंबर 7 जिसमें हमेशा 60 रुपीज़ की सेल लगी रहती है फैब्रिक की. इनमें इनके फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वैरायटी भी काफ़ी होती है और हमेशा जो 60 रुपीज़ की सेल आपको हमेशा मिलेगी यहाँ पे. और बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे फैब्रिक मिल जाते हैं. इनकी शॉप में हमेशा ही काफ़ी भीड़ रहती है इनके प्राइजेस की वजह से और इनकी क्वालिटी की वजह से. उसके बाद हम शॉप नंबर 20 पे आए. इस शॉप में आपको घर के लिए काफ़ी सामान मिल जाएगा जैसे कुशन कवर्स हो गए, पर्दे हो गए और यहाँ पे ये जो कंबल के कवर्स होते हैं और यहाँ पे आपको कंबल भी मिल जाएंगे. तो ये शॉप काफ़ी अच्छी थी और इसके पास काफ़ी वेराइटी थी कुशन कवर की. आए थे हम शॉप नंबर 223 में. यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के फैब्रिक की काफ़ी अच्छी वैरायटी देखने को मिलेगी. जो ऊपर वाले थे वो 600 रुपीज़ मीटर थी. हाँ थोड़े से महंगे हैं बट ऐसा नहीं है कि कतरन मार्केट में जो है वो बहुत सस्ते प्राइस मिलते हैं. वो क्वालिटी और फैब्रिक पे डिपेंड करता है. ये जो है वो 500 रुपये मीटर थे. ये जो वेलवेट है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और जो वेलवेट के कपड़े थे उन सब के प्राइसेस अलग अलग थे. यहाँ पे 200 रुपीज़ में भी आपको वेलवेट का फैब्रिक मिल जाएगा. वो प्लेन वाले मिल जाएंगे आपको. तो अब आपको कतरन मार्केट में ऐसे कुछ लांचे टाइप में भी मिल जाते हैं जिनके प्राइसेस सबके 1500 रुपये थे और इनमें काफ़ी वैरायटी थी जो आप छोटे मोटे फंक्शन के लिए कैरी कर सकते हो. उसके बाद हम एक ज्वेलरी के शॉप पे गए जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी. यहाँ पे मेरे को ये वाला काफ़ी सुंदर लग रहा था. ऐसे में ब्रेसलेट टाइप में भी थे. इन सब के प्राइजेस जो थे वो किसी के 50 थे और किसी के 100 थे. मार्केट में ना आपको दुपट्टे की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर, और वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है. ये जो नीचे वाले थे वो 100 के थे. काफ़ी सुंदर सुंदर दुपट्टे थे. बिल्कुल नीचे वाले भी 100 के थे. ये जो इधर वाले थे ये भी 100 रुपीज़ के थे. यहाँ पे आपको हर तरीके के फैब्रिक के दुपट्टे मिल जाएंगे जैसे कि ऑर्गेन्जा हो गया, बनारसी हो गया, उनके थोड़े से प्राइजेस हाई रहेंगे. ये जो सामने वाले ऑर्गेन्जा के थे ये 200 रुपीज़ के थे.
ये शॉप थी 298 जो यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है, क्योंकि इनके फैब्रिक की वजह से। ये जो नेट का फैब्रिक था वो था 350 रुपये मीटर, और ये जो मस्टर्ड में था ये 400 रुपये मीटर था, और इसका 60 का बना था और 10 कलर्स अवेलेबल थे। और जो ये इनके हाथ में है लखनवी चिकन का, ये जो है ये भी 400 रुपये का है। इसमें भी आपको काफ़ी कलर्स की वैरायटी मिल जाएगी। और ये जो पीछे आपको जो पैटर्न में लगे हुए दिख रहे हैं, जिनके आप शरारा या सूट बनवा सकते हो, वो 200 रुपये मीटर थे। इनमें भी सारे कलर अवेलेबल हैं। सो ये जो पीछे रेड कलर का नेट का फैब्रिक था जो आप गाउन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो 350 रुपये मीटर था। इस शॉप में आपको काफ़ी फैब्रिक की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ये जो नीचे वाले थे वो 150 रुपये मीटर थे। सो इनकी शॉप जो है वो अलग भी है अंदर जाके, तो आप इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि अगर आप कतरन मार्केट में आते हो आपको नहीं पता कि कौन सा शॉप बेस्ट है, तो आप इस शॉप में विज़िट करना। या आपको अंदर भी इनकी एक दुकान है वहाँ पे लेके चले जाएंगे, उस पर भी आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ कोट्स भी थे, जो ये ब्लैक वाला था वो 600 रुपये का था, और ये जो चेक वाला था वो 550 रुपये का था। बट मुझे इनकी क्वालिटी कोई खास अच्छी नहीं लगी, तो आप देख सकते हैं अगर आपको परचेस करनी है आप चेक कर सकते हैं। बाकी वैरायटी तो काफ़ी थी, कलर्स भी काफ़ी थे। सो इस शॉप पे भी कोट्स की वैरायटी थी, और ये सब जो है वो 500 रुपये के थे। सो एज़ यू नो कि कतरन मार्केट में वीडियो शूट करना काफ़ी हार्ड काम होता है, बिकॉज यहाँ पे फ़ोन की चोरी, यहाँ पे चोरियाँ काफ़ी होती हैं। बट मैंने आपके लिए किया है, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है, तो जल्दी से ये कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको ये अच्छी लगी। अच्छी तो बाय।